हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वापस आ गई हूँ एक और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ, जो कि है चीज़ी मफिन्स। और ये चीज़ी मफिन्स का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा होता है, तो हम इसे पिज़्ज़ा मफिन्स भी बोल सकते हैं। लॉकडाउन में जब सारे पिज़्ज़ा शॉप्स बंद हैं, सारे मॉल्स बंद हैं, तो आप ये मफिन्स को अपने घर में ट्राई कर सकते हैं और बच्चे इसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, जिसे हम ऑल पर्पस फ्लावर भी बोलते हैं। साथ ही हमें चाहिए आइसिंग शुगर, बेकिंग पाउडर, पाश्चराइज्ड बटर, अमूल बटर जो हमारे घर में होता है। साथ ही हमें चाहिए एक एग, कुछ स्लाइसेस चीज की, आपके घर में चीज़ क्यूब्स है, पार्मेसन चीज़ है, जो भी चीज़ है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमें चाहिए योगर्ट या कर्ड और कुछ स्प्रिंग आनियंस, इसको हमने वॉश करके फाइनली चॉप कर लिया है। और हमें चाहिए मफिन मोल्स, यहाँ पे मैं सिलिकॉन मफिन मोल्स यूज़ कर रही हूँ। आपके घर में जो भी मोल्स है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो बस ये थोड़ा सा सामान चाहिए हमें जो सबके घर में अवेलेबल होता है और हम इजीली इसे बना सकते हैं। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने मैदा लिया है, उसमें मैं ऐड कर रही हूँ आइसिंग शुगर। यहाँ पे मैंने 2 बड़े चम्मच आइसिंग शुगर के यूज़ किए हैं, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ज़्यादा या कम भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है बेकिंग पाउडर। अब हमें स्पून से इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे बटर। यहाँ पे लगभग मैंने 1 बड़ा चम्मच बटर यूज़ किया है। साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ 1 एग। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप एग को स्किप भी कर सकते हैं। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा कर्ड, यहाँ पे 2-3 स्पून कर्ड लगता है। और अगर आप एग नहीं यूज़ कर रहे हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा बटर और कर्ड इसमें ऐड करिएगा तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। साथ ही यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ स्लाइसेस ऑफ चीज़, 4-5 स्लाइसेस चीज़ के मैंने यूज़ किए हैं। और साथ ही हमारा स्प्रिंग अनियन। ये सारे इंग्रेडिएंट्स को पहले हम स्पून से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको ये मिक्सचर थोड़ा ड्राई लग रहा हो तो इसमें आप और कर्ड ऐड कर सकते हैं। इसकी जो फाइनल कंसिस्टेंसी है वो हमें एकदम बटरी कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप उसी के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा और कर्ड ऐड कर लीजिए अगर ये आपको ड्राई लग रहा है तो। देखिए ये मेरा जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा ड्राई है, तो मैं यहाँ पे 1 स्पून और मैंने कर्ड यूज़ किया है। अब यहाँ पे हैंड मिक्सर से आपको एकदम लो स्पीड पे, यहाँ पे मेरी 1 जो है वो लोएस्ट स्पीड है, तो इससे हैंड मिक्सर से हमें इसे अच्छे से बीट कर लेना है, तो इसकी कंसिस्टेंसी एकदम बटरी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। 3-4 मिनट लगते हैं इसमें। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो आप इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो इसे अच्छे से बीट करने के बाद 4-5 मिनट्स तक बीट करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही बटरी हो जाती है। ये देखिए ऐसी कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। उसके बाद जो हमारे मफिन मोल्स हैं इसमें हमें इस बैटर को डालना है। 2 स्पून की हेल्प से आप इसे ऐसे डाल सकते हैं, इसे मैसी नहीं होगा। और आपको अपने मोल्ड को पूरा भरना नहीं है, फिल नहीं करना है, क्योंकि ये जो हमारे मफिन्स हैं ये अभी राइज करेंगे, तो आप अपने मोल्ड्स को 3/4 फिल करिएगा ताकि हमारे चीज़ी मफिन्स को राइज करने के लिए स्पेस मिले। तो अभी हमारे मफिन्स मोल्ड्स हमारा रेडी है।
तो अब हमें कन्वेक्शन माइक्रोवेव है, तो यहाँ पे मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे 30 मिनट्स के लिए सेट किया है। बट एक्चुअली अगर आप सिलिकॉन मोल्ड यूज़ कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है बेकिंग में, ये 15 से 20 मिनट्स में रेडी हो जाता है। तो आप जब भी 15 मिनट्स के बाद अगर आप इसे चेक कर लीजिए, और अगर टूथपिक की हेल्प से आप इसे चेक कर सकते हो, और अगर ये पूरा पक्का नहीं है तो आप इसे 5-6 मिनट्स के लिए फिर से डाल सकते हैं। तो अभी मैंने ओवन को स्टार्ट कर दिया है और ये हमारा मफिन्स बेक होना स्टार्ट हो गए हैं। तो आफ्टर 20 मिनट्स मैंने इसे ओपन किया तो ये हमारा अच्छे से बेक हो गया था। यहाँ पर मैंने ऊपर से चीज़ ग्रेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप इसके ऊपर ऊपर से भी चीज़ ग्रेट करके कुछ वेजिटेबल्स लाइक कैप्सिकम, टमेटो, आनियन ये सब डाल सकते हैं। इसे एक चिमटे की मदद से बाहर निकाल लीजिए और इस ब्लेंडिंग करने के लिए हम इसे मोल्ड से बाहर निकालेंगे और हम इसे सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आप इसे ओपन करके देखेंगे तो ये अंदर से बहुत ही अच्छे से बेक हो गया है और ये सर्व करने के लिए रेडी है। तो आप इसे ज़रूर अपने घर में ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली को खिलाइएगा, स्पेशली बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। और आपको मेरी रेसिपी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।